सुहागन हो ना तुम हमारी, हक चाहिए ना तुम्हें हम पर, तो लो ना आज हक, दे रहे हम आज तुम्हें। बेचारी बिंदिया, हर चीज का इल्जाम घूम फिर के बिंदिया के सर ही आ जाता है। पता नहीं कब आएगा हमारी बिंदिया के जीवन में वो समय जो उसका भाग बदल देगा। बिंदिया की जिंदगी में समय की होगी एंट्री, बिंदिया का बदलेगा समय। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्रिश के लिए बिंदिया जो चाहे कर ले, लेकिन क्रिश जो है बिंदिया को गलत ही समझता है। ऐसे में पायल कितना कुछ कर रही है, लेकिन पायल पर अभी तक क्रिश उस तरीके से नहीं बरसा जिस तरीके से उसने बिंदिया की बेइज्जती कर डाली। हम सोच रहे हैं क्यों ना एक बवाल बेमिसाल परफॉर्मेंस हो जाए तेरे लिए, अच्छा पटाई छे तेरे लिए। अरे ये तो हम हैं, और यही तो है वो हमारी घूंघट वाली। एक काम करते हैं, और बट कर दे तेरी बीबी को। जे देख, जे नंबर है ना तेरी बीबी का। अब ऐसा कैसे कर सकती है, इसमें आप हमारी बीबी को कैसे इन्वॉल्व कर सकती है। बिंदिया से बोला कि तुम ये जो व्रत रखती हो, पूजा करती हो, ये सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए करती हो ना, मुझे पाओ और हवस मिटा लो। ये लो मैंने खोल दिया अपने शर्ट के बटन, मिटा लो अपनी हवस। जिसके बाद बिंदिया ये सुनकर बुरी तरीके से टूट जाती है और घर को छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर शो में नई किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है समय, जो कि बिंदिया का समय जरूर बदलेगा ऐसा लग रहा है, जो बिंदिया को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से क्रिश देख रहा है, लेकिन यहां पर अब देखने वाली बात होगी क्या समय की जो नजदीकियां बिंदिया के साथ बढ़ेगी उससे क्रिश को कोई आपत्ति होगी, क्योंकि क्रिश वैसे ही बिंदिया को कई बार जलील कर चुका है। पायल के चलते जो क्रिश है वो बिंदिया को समझ ही नहीं पाता, और ऐसे में अब आने वाले एपिसोड में आपको बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर बिंदिया ने अभी तक बहुत कुछ सहा है। वो ये भी कहती हुई दिखाई देती है कि पायल को हमने एक बेटी की तरह पाला, हम उसकी मां बनकर उसे पाले, लेकिन उसने हमारे साथ ये क्या किया, उसने तो हमारा सुहाग ही हमसे छीन लिया। खैर कमेंट सेक्शन में अब आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।